Let's do question number 19th of exercise 15a, that is perimeter and area of a plane figure. Question number 19th is, find the area and perimeter of an isosceles right angle triangle, each of whose equal side measures 10 cm. वो कह रहा है हमें isosceles right angle triangle का area और perimeter निकालना है जिसकी equal sides 10 cm है. तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं. ये हमारा isosceles right angle triangle का मतलब होता है, ये right angle triangle है जिसकी दो sides ये वाली equal है, right? ये होता है हमारा isosceles right angle triangle. और वो कह रहे हैं जिसकी equal sides हमारी 10 cm है, तो मतलब ये भी 10 cm है और ये भी 10 cm है. अब हमें area और perimeter निकालना है. तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अगर हम पेरीमीटर निकालते हैं तो हमें ये थर्ड साइड भी चाहिएगी. तो पहले हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या निकाल लेते हैं, थर्ड साइड निकाल लेते हैं. गोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम होती थी एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो पी क्या है, 10 का होल स्क्वायर प्लस बी क्या है, 10 का होल स्क्वायर. तो ये आ गया 100 प्लस 100, तो एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 200. और एच कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 200. तो ये आ गया 10 रूट 2, और रूट 2 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 1.41. तो ये आ गया 10 इंटू 1.41. तो वी कैन से दैट या तो हम ये इसकी वैल्यू 10 रूट 2 ले सकते हैं या 14.1 सेंटीमीटर ले सकते हैं, राइट. अब हमें एरिया और इसका पेरीमीटर निकालना है, तो सबसे पहले पेरीमीटर निकाल लेते हैं. पेरीमीटर कितना आएगा, देखिए पेरीमीटर हुआ, अगर मैं इस ट्रायंगल की नेमिंग कर दूं ए बी सी, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. तो ये आया ए बी थी हमारी 10, बी सी थी 10 और सी ए कितनी निकल के आई, 14.1. तो ये आ गई 34.1 सेंटीमीटर. अब हमें एरिया निकालना है. एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, राइट आइसोस्केलेस ट्राइंगल, राइट आइसोस्केलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला हुआ हाफ इंटू बेस, बेस था हमारा बी सी और हाइट थी ए बी, तो बी सी इंटू ए बी. तो ये कितना आ गया, दोनों थी 10 10, बेस भी और हाइट भी. तो ये आ गया 2 1 2, 2 5 10, दैट इज 50 cm² इज द आंसर. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 20 नाउ. क्वेश्चन नंबर 20 इज, इन द गिवन फिगर ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, द लेंथ ऑफ हूज साइड इज इक्वल टू 10 cm. मैंने ऑलरेडी फिगर बना रखी है. वो कह रहा है ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी सारी साइड्स 10 cm है. आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, एंड डी बी सी इज इन ए राइट एंगल्ड एट डी एंड बी डी इज 8 cm, और बी डी सी जो है वो राइट एंगल्ड है डी पे जिसकी लेंथ बी डी दे रखी है 8 cm. आगे फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है जहाँ रूट 3 की वैल्यू 1.732 है. इसमें शेडेड रीजन है ये वाला, ये देखिए ये वाला शेडेड रीजन है, ये वाला हमारा शेडेड रीजन, इसकी वैल्यू निकालनी है. तो कैसे निकालेंगे, देखिए बड़ा वाला इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर हम पूरे का एरिया निकालें सबसे पहले, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का इक्विलेटरल का फॉर्मूला लगेगा. इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला है √3/4a². अब a क्या होता है, यहाँ पे जो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स होती हैं वो हमारी a होती है. तो √3 एज इट इज लिया अपॉन 4, a हमारा 10 हुआ, तो 10 का होल स्क्वायर. तो ये कितना आ गया, √3/4 × 100. तो ये आ गया 4 1 = 4, 4 2 = 8, 20, 4 5 = 20. तो ये आ गया 25 √3 cm².
अब इसको रूट थ्री की वैल्यू हम क्या रख सकते थे, हम रख सकते थे 1.732। तो पॉइंट हटाया हमने, नीचे थ्री जीरोज लगे, 25 ones are 25, 25 fours is 100 एंड ज़ीरो। अब देखते हैं 4 ones are 4 एंड ज़ीरो एज इट इज़, 4 fours are 16, 13 4 threes are 12 एंड 4 threes are 12, तो ये आ गया हमारा 433/10। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 43.3 cm². ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ लिख देती हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब इस ट्राइंगल के एरिया में से अगर मैं ये वाला एरिया, इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकाल देती हूँ, तो हमें शेडेड पार्ट का एरिया पता चल जाएगा। तो लेकिन हमें राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमारा फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। अब हाइट तो राइट एंगल की ये है, लेकिन बेस क्या है, ये है। तो बेस कैसे निकालेंगे, देखिए जब हमें हाइपोटेन्यूज, इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो हम बेस इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम होती थी हमारी h² = p² + b² अब h है हमारा 10 और p है हमारा 8, तो 10 का स्क्वायर, p है हमारा 8 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 100 = 8 8 = 64 + b² तो b स्क्वायर की वैल्यू आ गई 100 - 64, तो b स्क्वायर आ गया हमारा 36 और b कितना आ गया √36, दैट इज 6 cm आ गया। अब हमारा एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस। बेस क्या हुआ cd और हाइट क्या हुई bd, तो हमारा हुआ हाफ इंटू बेस, बेस इज cd और हाइट हुई bd, तो हाफ बेस अभी हमने निकाला है cd, दैट इज 6 cm और bd हमें ऑलरेडी पता था 8, तो ये कितना आ गया 2 threes are 6, तो ये आ गया 24 cm². अब हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, देखिए अगर मैं इस पूरे ट्राइंगल के एरिया में से ये राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं, तो हमारा ये शेडेड रीजन निकल जाएगा। तो हमने यही किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी में से हमने माइनस कर दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी, राइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना आया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आया था 43.3 cm², 43.3 cm², और एरिया ऑफ बी डी सी कितना आया था, एरिया ऑफ बी डी सी आया था 24 cm², जिसको हमने राइट एंगल ट्राइंगल भी कहा है, तो यह है 24 cm². तो शेडेड रीजन कितना आ गया 0.3 एज इट इज, 13 में से 4 गया इज 9 एंड 3 में से 2 गया 1, 19.3 cm² हमारा आया शेडेड रीजन का एरिया आंसर।